भाई क्या बात है यार, फील तो अब पता चला, डेफिनेटली यार बहुत ज्यादा फर्क है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज आपके सामने खड़ी है अपाची RR 310 और आप देख ही सकते हैं देखने में कितनी ज़्यादा हैवी है ये बाइक और क्या इसको चला के फील आता है, वो सारी बातें हम अभी चलते में करेंगे। पहले आप इसकी एक बार लुक चेक कर लो। एक बार मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ, ये इसका फ्रंट बहुत बड़ी सी विंडशील्ड के साथ आती है और देखो व्हील बेस चेक करो एक बार, और काफ़ी देखने में हैवी लग रही है और सिटिंग भी आप देख ही सकते हैं, पिलियन के लिए तो कभी बनी होती ही नहीं है स्पोर्ट्स बाइक। तो चलो इसको एक बार रोड पे लेके चलते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। सबसे पहले चेक करो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्या बात है देखो। और अभी ये है, एक बार मोड चेक कर लेते हैं किस मोड में है। अभी ये है अर्बन मोड में, एक बार पहले इसको अर्बन मोड में ड्राइव करेंगे उसके बाद चेक करेंगे इसको स्पोर्ट्स मोड और ट्रैक मोड में डाल के। तो चलो लेके चलते हैं ऐसे रोड पे, हाईवे पे। यार काफ़ी मौसम चेंज हो गया और गर्मी भी काफ़ी होने लगी है और फेब अभी एंड ही होने को है। ओहो, ये प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि क्या है ना, ये हमारे हाथ की बाइक नहीं है, आपको पता है अपनी वाली तो R15 है, ये अभी दोस्त की बाइक है। और इसको लाने का रीज़न ये है कि ये एक 300cc सेगमेंट की बाइक है और इसको देखते हैं इसकी पावर में और उसकी उसमें क्या मज़ा है। तो चलो इसको खींच के एक बार देखते हैं। अर्बन मोड में है अभी ये, स्पीड अलर्ट के साथ। क्या बात है यार, फील तो है, फील तो नेक्स्ट लेवल है। जबरदस्त भाई, मजा आ गया, क्या बात है। यार देखने में ये जितनी ज़्यादा हैवी है ना, उस हिसाब से इसका चलाने का कंफर्ट बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी बाइक राइड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। देखो ये बिना हेलमेट के और तीन तीन बंदे, यार ये लोग ना दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स कर देते हैं। अभी देखो किस तरीके से सामने आए, अगर मैं ब्रेक ढंग से ना मारता या कोई दिक्कत होती तो फिर अभी मेरी आफत कर देते लोग। चलो कोई नहीं, छोड़ो जाने का। बढ़िया यार, मज़ा आ गया जो बात है। अभी 60th को हमें डालने का मौका ही नहीं मिला, 5th में अच्छी खासी जा रही है और ये टॉप एंड मेरे ख्याल से जाती है 170 के आसपास, 170 पर इसका लिमिटर हिट हो जाता है। और सिटिंग पोस्चर की इसकी बात करें ना तो R15 के मुकाबले बिल्कुल आपको सीधा बिठाती है। मतलब मुझे वो लीन वाली प्रॉब्लम जो है ना इसमें नहीं आ रही, मैं इस पर बिल्कुल सीधा बैठा हुआ हूँ और क्लच भी काफ़ी स्मूथ है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। अभी थोड़ा सा और इसको राइड करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कोई हमें परेशानी इसमें लगती है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। यार 300cc की बाइक है और इस प्राइस रेंज में हमें इसमें जो सबसे पहली कमी लगी वो है इसमें क्विक शिफ्टर, वो होना चाहिए था क्योंकि यार R15 155cc की बाइक है, R15M में भी क्विक शिफ्टर अवेलेबल है और इसमें हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चीज़ खल रही है। एक बार देखते हैं तो बढ़िया सी बता दें, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ेदार फील आ रहा है। अगर कंपेयर करूँ KTM 390 से तो यार उसके मुकाबले तो ये काफ़ी नीचे है, मतलब जो मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से काफ़ी उसके मुकाबले नीचे है।
उसमें बहुत तकलीफ आ रही थी यार, ये कहीं ना कहीं खिंच रही है, वो कहीं नहीं खिंच रही थी एकदम यार। थोड़ा छोटा सा घर जो भी है बहुत बढ़िया जबरदस्त। दूसरी बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो यार R15 के मुकाबले इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। यामाहा ने यार पता नहीं क्या किया है, बिल्ड क्वालिटी काफी हद तक डाउन कर दी है, और मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये मुझे R15 से भी हल्की फील हो रही है चलाने में। अभी हम यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं और इसका एक बार मोड चेंज करके इसको फिर राइड करके देखेंगे, फिर से एंजॉय करेंगे। मुझे बहुत मतलब दोबारा कहना चाहूँगा कि मुझकी इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब इसका एक बार मोड चेंज कर लेते हैं और फिर से देखते हैं इसको राइड करके। इसमें चार मोड्स आते हैं, अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स और ट्रैक। अब इसको कर लेते हैं ट्रैक मोड में और देखते हैं क्या पावर में हमें इसके चेंजेस और वो देखने को मिलते हैं। अभी आगे ट्रैक मोड में, तो चलो एंजॉय करते हैं और बने रहो वीडियो में। भाई क्या बात है यार, फील तो अब पता चला, डेफिनेटली यार बहुत ज्यादा फर्क है अर्बन मोड में और ट्रैक मोड में। मुझे लग रहा था कि फिफ्थ गियर में कहीं ना कहीं, मुझे अर्बन में थी जब मुझे लग रहा था कि फिफ्थ गियर में कहीं ना कहीं पावर अच्छी निकाल दी, बट वो अब समझ में आया कि ये ट्रैक मोड में आने के बाद कुछ कमाल करके दिखा रही है यार, क्या बात है। इसमें गई थी 125, आप देख लो यार 160-146 तक मिलीमीटर नहीं है। हमारा रोड खत्म हो गया, इसको दोबारा कोशिश करेंगे छोटा सा कर। क्या बात है भाई, ट्रैक मोड होने के बाद तो इसने जैसे भाई कुछ और ही कमाल कर दिया, जबरदस्त यार मजा आ गया। स्पीड अलर्ट ट्रैक मोड में भी आता है, बढ़िया जबरदस्त एक नंबर, बहुत बढ़िया यार पावर है भाई जबरदस्त यार। भाई ट्रैक मोड में डालने के बाद नेक्स्ट लेवल फील आया यार, बाइक की परफॉर्मेंस जैसे हद से ज्यादा चेंज हो गई, एकदम लग नहीं रहा कि हम उसी बाइक को ड्राइव कर रहे हैं। अब तक जो लग रहा था कि KTM 390 से हम इसको कंपेयर कर रहे थे, अब इतना ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है, इंस्टेंट पिकअप है, क्या बात है भाई। इसका जो अभी आप एग्जॉस्ट नोट सुन रहे हैं ना, वो इसके स्टॉक एग्जॉस्ट का है, और अगर इसमें एकरा लग जाता है ना तो भाई ये बहुत ज्यादा लाउड हो जाती है, और उसके बाद तो मजा ही कुछ और है यार इसको राइड करने का, ऐसा लगता है कि आप सुपर बाइक राइड कर रहे हैं। देखो सुपर बाइक तो टक्कर नहीं दे पाएगी, बट हाँ कहीं ना कहीं फील आएगा कि हाँ एक साउंड के साथ तो मजा आ जाएगा भाई। चलो निकालते हैं, बहुत जबरदस्त भाई साहब क्या कहूँ। जब आप कुछ बहुत अच्छा राइड कर रहे होते हो ना, तो यार वर्ड्स अपने आप निकलते हैं, मजा आ गया जिसको कहते हैं। एक नंबर, नेक्स्ट लेवल भाई नेक्स्ट लेवल। अरे यार क्या प्रॉब्लम है,
बात है यार, थोड़ा स्लो करते हैं, दर्द है। और रोड हमारा खत्म हो गया है, रोड के साथ साथ वीडियो को भी करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई सजेशन हो, कोई भी बात हमें अच्छी या बुरी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।